कोरोना वायरस की वबा के बाद कराची की रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं, जिसके बाद आर्ट काउंसिल में भी म्यूजिकल शो और ड्रामा और सकाफती सरगर्मियां उरूज पर आ गईं। इस हवाले से आर्ट काउंसिल में मियां लकी बीवी शकी के स्क्रिप्ट की तकसीम के मौके पर तकरीब का इनेकाद किया गया, जबकि इस ड्रामे के पैटर्न एंड चीफ खादिम हुसैन अचवी और इस ड्रामे के पेश करने में किरण खान और सदफ अली पेश कर रही हैं। ड्रामा कॉमेडी स्टेज शो मियां लकी बीवी शकी जो कि नवंबर के महीने में 13 और 14 तारीख को आर्ट काउंसिल में पेश किया जाएगा। जबकि इसके अलावा आर्ट काउंसिल में मौजूद फनकारों ने बताया, सबसे खुशी की बात तो यह है कि कोरोना में 5 माह लोग अपने घरों में रहे, लॉकडाउन रहा, उसके बाद आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची ने एक बहुत बड़ा काम किया कि अवामी ड्रामा फेस्टिवल किया, कराची फेस्टिवल किया। और ये तमाम आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर अहमद शाह साहब की काविशें थी। उसके बाद कराची की रौनकें बहाल होना शुरू हुई, मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ शुरू हुई, जलसे भी शुरू हुए, सियासी जलसे भी हुए, और उसके साथ साथ आजकल आर्ट काउंसिल में म्यूज़िकल प्रोग्राम भी हो रहे हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि एक ड्रामे की रिहर्सल भी हो रही है, आज उसकी ओपनिंग भी थी। रऊफ लाला साहब का ड्रामा है और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं उसमें, और भी बहुत से ड्रामे हैं, शकील सिद्दीकी के भी ड्रामे हैं, आमिर रैम्बो भी ड्रामा कर रहा है, उसके अलावा मेरी भी अवार्ड तकरीब है नवंबर में। तो ये एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इसमें मैं क्रेडिट दूंगा पाकिस्तान के उन अफवाज को जिन्होंने इसको अमन को कायम किया और जिस तरीके से चाहा उन्होंने कोशिश करके पाकिस्तान के अमन को कायम किया, और उसके साथ साथ हुकूमत का भी बड़ा अमल दखल है कि उन्होंने कोरोना पे काबू पाने की कोशिश की। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का सबसे बड़ा करम है, और उसके बाद उन लोगों का बड़ा इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है जिन लोगों ने कोरोना के हवाले से बहुत काम किया। देखें, बात यह है कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान वाइड आर्ट्स काउंसिल है हमारे पाकिस्तान का, जिसके साथ लफ्स पाकिस्तान लगता है, और इस आर्ट्स काउंसिल ने मुख्तलिफ क्यादतों में काम किया, लेकिन मौजूदा क्यादत जिनका नाम अहमद शाह साहब है, उनके आने के बाद हमारा ये इदारा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जो है ये एक ऐसा इदारा बन चुका है कि जिस पर हम नाजा हैं, ना सिर्फ फनकार बल्कि अदीब कलमकार, मुजस्मा साज, म्यूजिशन, जो भी फ़नून लतीफ़ा से ताल्लक रखते हैं, न सिर्फ वो बल्कि शेरी आवाम 2.5-3 करोड़ आवाम जो है वो नाजा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे ने न सिर्फ हमारा मोराल बंद किया है बल्कि कराची की रोशनियों को बहाल करने में एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। कराची आर्ट काउंसिल में सदर अहमद शाह की काविशों से आज सकाफती रंग दोबारा बहाल हो रहे हैं। कैमरामैन अमजद इकबाल के साथ नदीम सिद्दीकी, मेट्रो 7 सिटी न्यूज़, कराची।